अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिफ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट फॉर नाइन्थ क्लास फ्रॉम केमिस्ट्री 9। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। स्टूडेंट, एज यू फेमिलियर, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड मूव द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल टेक प्लेस। सो ना द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल डिफ्यूजन। क्या होता है कि आप अगर क्या करें कि घर में एक गिलास पानी लें और उसमें एक ड्रॉप क्या कर दें आपके जो ब्लोइंग का जो पैन में वो, या वैसे आप क्या करें कि जो जामिशरी है उसका एक ड्रॉप क्या करें गिरा दें, आप देखेंगे कि स्लोली स्लोली भी क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि वो नफूज कर देता है वो पूरे के पूरे गिलास के अंदर। डिफ्यूजन की एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ कि आप घर के अपने रूम के कोने में जाएं और कोने में जाके क्या करें, थोड़ी सी स्प्रे, जो बॉडी स्प्रे आप लगाते हो या परफ्यूम्स लगाते हो, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा पुश आउट करें। जैसे आप करेंगे उसे कमरे के एक कॉर्नर में, आप थोड़ी देर के बाद महसूस करेंगे कि उस जो कॉर्नर, एक कॉर्नर जिस कॉर्नर में आपने क्या किया था वो स्प्रिंकल की थी अपनी जो थोड़ी सी परफ्यूम निकाली थी बॉटल से, वो पूरे रूम में फैल चुकी है और कोने का जो दूसरा कोना है रूम का वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। यानी कि जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मूवमेंट ऑफ कोलाइंस में, यानी कि मूवमेंट्स ज़िगज़ैग मोशन में रहते हैं, इसलिए क्या क्या उन्हें डिफ्यूज कर लिया, पूरे के पूरे कमरे में वो फैल गए। सच है, जो आप क्या करते हैं जब आप ड्रॉप ऑफ इंक क्या करते हैं ग्लास ऑफ वाटर में गिराते हैं तो वो भी सेम है, क्या कर देता है वो आहिस्ता आहिस्ता नफूस कर देता है, यानी कि डिफ्यूज कर देता है। तो डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होता है, इसके कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, असल में डिफ्यूजन होती क्यों है, क्योंकि जो हमारे लिक्विड्स की हम बात करते हैं तो लिक्विड जो होते हैं जब उन्हें क्या हीट दी जाती है, या हीट लेने के बाद, हासिल करने के बाद, वो क्या गेन करने के बाद, वो हमारे जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इंटर मालिकुलर फोर्सेज बढ़ जाती है। इंटर मालिकुलर फोर्सेज बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो हैफजर्ड मोशन में आ जाते हैं और बड़ी तेज़ी से क्या मूव करना शुरू कर देते हैं। डैट इज़ वाई वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन का बायस बनते हैं, नफूस थ्योरी का बायस बनते हैं। तो इसके फैक्टर्स में नंबर एक इंटर मालिकुलर फोर्सेज है, साइज ऑफ मालिक्यूल्स है, शेप ऑफ मालिक्यूल्स है, एंड टेम्परेचर है। स्टूडेंट, मजीद आगे जाने से पहले आपको बता दूंगा ये सारे के सारे लेक्चर आपको साइंसदा सिम स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पे क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल का बटन दबा दें, हर ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप उससे मुस्तफीद होते रहें। तो सो इंटरमालिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो डिफ्यूजन में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जितनी वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती हैं उतनी तेज़ से क्या हो जाती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है। यही वजह कि जो हमारे लिक्विड्स हैं वो, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं जब हम क्या करते हैं अल्कोहल को मिलाते हैं लिक्विड पानी के अंदर, तो वो बड़ी तेज़ से क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। या अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारा जामिश्री की हम बात कर रहे हैं, आज का रमज़ान है तो इसमें क्या है, जैसे वो मिलाते हैं थोड़ा सा हलान से वो पूरा का पूरा मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो क्या है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस क्या हो जाती है, वीक होंगी तो जल्दी से क्या हो जाएगी, हमारी डिफ्यूजन जो है वो भी वकूअ पज़ीर हो जाएगी। साइज ऑफ मालिक्यूल, स्टूडेंट बिग साइज मालिक्यूल्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी से डिफ्यूज नहीं करते, जबकि स्मॉल साइज मालिक्यूल क्या करते हैं, वो इजीली डिफ्यूज कर देते हैं। सो बिग साइज मालिक्यूल डिफ्यूज स्लोली। फॉर एग्जांपल हनी जो है हमारी, वो डिफ्यूज क्या करती है, अल्कोहल की निस्बत देर से करती है। अगर हम क्या करते हैं हनी को पानी के गिलास में मिलाते हैं तो स्पून के साथ मिलाने से भी क्या होगा, वो देर से डिफ्यूज करती है। जबकि अगर हम क्या करें जामिश्री या लेमन जूस जो होता है उसको, या अगर हम क्या करते हैं जो हमारा अल्कोहल है उसको मिलाते हैं तो वो तेज़ से क्या हो जाती है, उसमें डिफ्यूज हो जाती है। सो शायद मालिक्यूल्स आल्सो वेरी आल्सो हैव अ बिग फैक्टर इन डिफ्यूजन। सो इसके बाद है हमारा शेप ऑफ मालिक्यूल्स। स्टूडेंट, रेगुलर शेप मालिक्यूल्स कैन डिफ्यूज इजीली, वाइल इन रेगुलर शेप मालिक्यूल्स कैन नॉट डिफ्यूज इजीली। जितनी अच्छी शेप होगी, यानी कि रेगुलर शेप में होंगे मालिक्यूल्स, वो क्या कर लेंगे, उतना आसानी से क्या हो वो स्लिप ओवर कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और आसानी से वो डिफ्यूजन का बायस बनते हैं। इसी तरह
जैसे बिग साइज मालिक्यूल क्या होते हैं कि बड़े साइज के मालिक्यूल क्या वो देर से क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, और जो हमारे शेप ऑफ मालिक्यूल होते हैं उसमें जो रेगुलर शेप मालिक्यूल होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, और इरेगुलर क्या वो देर से करते हैं। टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिफ्यूजन, बिकॉज बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द इंटर मालिकुलर फोर्सेज और वी कैन इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज होती हैं दे बिकम वीक, सो दे काज डिफ्यूजन ईजिली। जैसे ही इंटर मालिकुलर क्या होती है, वीक होती हैं, तो क्या हो जाती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी ईजी हो जाता है। इसकी मिसाल आपको दूंगा कि अगर हम क्या करते हैं कि एक स्पून जो शुगर है हमारी वो मिलाते हैं हाफ ग्लास पानी में, तो अगर दूसरी स्पून डालते हैं तो वो क्या है, वो उसमें हाल नहीं होती। यानी कि ये सॉल्युबिलिटी के एक मिसाल है, वो आपको यूँ बता रहा हूँ कि जैसे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो तेज़ी से क्या हो जाती है, हीट मिलने के बाद वो हल हो जाती है पानी के अंदर। अच्छी एक सॉल्युबिलिटी है, इसका मिसाल आपको दे रहा हूँ डिफ्यूजन के अंदर, वो इसलिए कि जो होती हैं वीक हो जाती हैं फोर्सेज, किसकी, शुगर की, वो शुगर के मालिक्यूल की जो फोर्सेज है वो वीक होने की वजह से क्या हो जाता है, और जो हमारा पानी होता है उसके जो मालिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती है वो भी वीक हो जाती हैं, तो वो इजीली क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं जब उन्हें टेम्परेचर दिया जाता है तो एक वक्त आता है जब वो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज होता जाता है तो वो हमारी सेल क्या आस्ता आस्ता वो पिघलने शुरू हो जाते हैं, और वो मकाम जहाँ पे वो सॉलिड हमारी क्या हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो क्या होती है, उसका असल में मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि जब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट, क्या होता है कि मेल्टिंग होनी शुरू हो जाती है किसकी, हमारे सॉलिड की, और कोएग्जिस्ट मीन के वो लिक्विड और सॉलिड दोनों के दरमियान में वो उसकी फोर्सेज आ जाती है जो उसको कोएग्जिस्ट करती है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट, विद डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट एट दिस टेम्परेचर, जो होता है हमारा जो लिक्विड होता है, जो सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। मिसाल अगर हम आइस की बात करते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। सेम है अगर हम क्या करते हैं, हमारे सोडियम जो है, हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, 100 डिग्री है, 801 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से मुख्तलिफ क्या है, चीज़ें हैं सॉलिड्स हैं जिनके मुख्तलिफ क्या होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होते हैं। एक बार याद रखिएगा, जितने हमारे आयनिक और पोलर जो होते हैं लिक्विड्स, उनकी जो क्या होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। दोबारा आपको बताता हूँ, जो सारे लेक्चर आपको साइंस स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं, हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक का और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।